एक बात बताना चाहता हूँ जो बाइबल में भी लिखी है और उसको हमें हमारे जीवन में उसको उतारना है, और जब कभी ऐसी परिस्थिति में आए तो हमें ऐसा ही जीवन जीना है। लेवी का पुस्तक और उसका 10वां अध्याय, और उसमें अगर 1 से 10 पढ़ोगे तो वहाँ पर बात की है मिलाप वाले तंबू की। और मिलाप वाले तंबू में एक तो मूसा थे, हारून थे, और हारून के 2 बेटे थे, नादाब और अबीहू। ये 4 लोग उसमें थे। और जो हारून के जो 2 बेटे थे वो सही से नहीं चलते थे, और सही से नहीं चलने के कारण ऐसा हुआ था कि उन लोगों ने जो पराया धूप मैं जो परमेश्वर ने नहीं बोला था ऐसा धूप जो है वो परमेश्वर को चढ़ाया, और इस कारण ऐसा हुआ कि वो दोनों वहीं के वहीं वो मर गए, और वहीं पर उनको मार दिया गया। परमेश्वर की आग आई और वो दोनों मिलाप वाले तंबू में ही जलकर मर गए। लेकिन ये बात हम बाइबल से एक बार पढ़ ले तो सभी को पता चलेगा कि परमेश्वर का वचन क्या कहना चाहता है। लेवी का पुस्तक उसका 10वां अध्याय, और शुरू से कोई पढ़ो तो। तब नादाब और अबीहू नामक हारून के 2 पुत्रों ने अपना अपना धूपदान लिया और उनमें आग भरी और उसमें धूप डालकर उस ऊपरी आग को, जिसकी आज्ञा यहोवा ने नहीं दी थी, यहोवा के सन्मुख अर्पित किया। तब यहोवा के सन्मुख से आग निकली और उन दोनों को भस्म कर दिया, और वे यहोवा के सामने मर गए। तब मूसा ने हारून से कहा, यही बात है जिसे यहोवा ने कहा था कि जो मेरे समीप आए अवश्य है कि वह मुझे पवित्र जाने और सारी जनता के सामने मेरी महिमा करे, और हारून चुप रहा। तब मूसा ने मिसाइल और एल्साफान को, जो हारून के चाचा उज्जियेल के पुत्र थे, बुलाकर कहा, निकट आओ और अपने भतीजों को पवित्र स्थान के आगे से उठाकर छावनी के बाहर ले जाओ। मूसा की इस आज्ञा के अनुसार वे निकट जाकर उनको अंगरखों सहित उठाकर छावनी के बाहर ले गए। हालेलुया। ये बात अगर ध्यान से समझोगे तो यहाँ पर जो लिखा है कि मूसा एक जगह पर खड़े, समझो ये मिलाप वाला तंबू समझ लो, और यहीं पर एक जगह पर मूसा खड़े है और मूसा के साथ हारून खड़े हुए, और उनके पास ही कहीं पर नादाब और अबीहू हारून के 2 बेटे सगे बेटे वो वहाँ पर खड़े हुए। जो काम उनको नहीं करना चाहिए वो काम उन लोगों ने किया, और परमेश्वर की आग आई और उन दोनों को मार दिया। अभी देखो वहीं पर उसका बाप खड़ा है और वहीं पर मूसा उनके चाचा है, ये दोनों खड़े हुए। चाचा और बाप के सामने 2 बेटे जवान मार दिए जाते हैं, और मार रहे परमेश्वर, क्योंकि उन लोगों ने जो सही काम करना चाहिए वो नहीं किया, इसलिए वो दोनों को परमेश्वर ने मार दिया। अभी एक बाप जो है उसके दिल पर क्या बीतती होगी, और एक चाचा उसके दिल पर क्या बीतती होगी। जो चाचा को एक बार बाजू पर भी हटाओ, लेकिन एक तो सगा बाप है और 2 जवान बेटे, और दोनों जवान बाप के सामने आग में जलकर खत्म हो गए। और मालूम है मूसा ने जैसे ही आग आई, जैसे ही लोग जलकर मरे, वैसे ही मूसा ने हारून से बात की, हारून बिल्कुल चुप रहना, कुछ मत करना, कुछ मत बोलना, तेरे सर पर परमेश्वर का अभिषेक किया हुआ तेल है, तेरे सर के ऊपर अभिषेक का तेल है, और हम पवित्र स्थान में खड़े हुए, अगर तू तेरे बेटे के पास गया, मूसा का कहने का मतलब है, अगर तू तेरे बेटे के पास गया, उसको बचाने का प्रयत्न किया, उसको पकड़ने का प्रयत्न किया, तो तेरे सर के ऊपर परमेश्वर का अभिषेक का तेल है, तेरे सर के ऊपर पवित्र वस्त्र है याजक के, और तू याजक होने के नाते काम नहीं कर सकता, चाहे बेटा मर गया। दूसरी बात, तू रो नहीं सकता। तीसरी बात, तू दुखी भी नहीं हो सकता। सोचो
जिसके सगे बेटे सामने मर गए, लेकिन परमेश्वर और उनके दास उनकी जो बातचीत वो समझने जैसी है। परमेश्वर ने मारा है तो परमेश्वर ने जो भी किया सही किया, बस आनंद करो। चाहे जवान बेटे मर गए सामने तो भी आनंद करो, जल कर मर गए तो भी आनंद करो, जो हुआ अच्छा ही हुआ। अगर वो सही से चलते तो परमेश्वर ऐसा नहीं करते। और अगर गलती हो गई होती और हारून रो लिए होते, हारून वहाँ पर दुखी हो होते और हारून ने आगे चलकर अगर उनके बच्चे को पकड़ने का प्रयत्न किया होता, वो भी वहीं पर मार दिए जाते। और मालूम है वहीं से अंदर से ये तो याजक लोग हैं, ये लोग उस डेड बॉडी को छू नहीं सकते। तो मूसा ने बाहर आवाज़ लगाई, दूसरे लोगों को बुलाया, अभी दूसरे लोग वो भी अंदर तो नहीं आ सकते, बिना याजक बने कोई अंदर नहीं जा सकता। और याजक बनता है वो डेड बॉडी को नहीं छू सकता, लेकिन ये लोग जो बेल्ट बांधते थे कमर के ऊपर, वो एक रस्सी हुआ करती थी और उसका दूसरा छोर वो पवित्र स्थान से बाहर आंगन में रहता था। और मूसा ने आवाज़ लगाई, उनके भाइयों को ही आवाज़ लगाई और भाई लोग आए, रस्सी से डेड बॉडी को खींच लिया। अभी भी बाप वहाँ पर खड़ा है, बेटा मरने के बाद उसकी डेड बॉडी को भी सम्मान नहीं मिल रहा है, इसकी डेड बॉडी को कोई खींच कर घसीट कर निकाल रहा है। सोचो एक जली हुई लाश, जली हुई डेड बॉडी, कैसे हालात होंगे। और बाप को चुप रहना है। तो ये बात मैंने इसलिए बताई कि पिछले दिनों में एक मौत हो गई और मैंने जो भविष्यवाणी पहले बताई थी और उसके जैसा होना शुरू हो गया। और ये मत समझना मैंने एक मौत नहीं कही है, लेकिन मैं चाहता हूँ किसी की मौत ना हो और इसलिए हमें सुधरना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात, परमेश्वर जो भी करते वो अच्छा है, तो उसमें दुखी होने की भी ज़रूरत नहीं। अगर हम हमारे रास्ते सही रखेंगे, परमेश्वर के आज्ञाकारी करेंगे, तो परमेश्वर हमको पूरी आयु देंगे और पूरा जीवन हमको देंगे। हालेलुया।